कि नवजिया बैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, हाँ मुझे दिल की बीमारी है। कि जन याद कब आई, हाँ जन याद कब आई, हाँ हम तो के भुला गई नी, तू हम के भुला जाई हा। कि हो सखी जननी की सैया हर गवैया हवे, फुहर पतर गीत गावेला। पवन सिंह जी के साथ स्टेज शो करने का मन है? हाँ बहुत जल्दी कर रहा हूँ मैं पवन जी के साथ में। और नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना उड़। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सुपरस्टार कलाकार, नाम है धनंजय शर्मा। खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में हाल ही इन्होंने जलवा बिखेरा है। आज इनसे बात करते हैं कि भाई साहब इतने ट्रेंडिंग में आने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। स्वागत है धनंजय। आज सबसे पहले अपना वोट देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जलवा कहीं ना कहीं जनता का है, मेरा नहीं है। विशेष करके जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोग मुझे इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, और आपका भी प्यार पा के मैं धन्य हो जाता हूँ हमेशा। खेसारी लाल यादव जी ने आपके गाने की बड़ी तारीफ की है, भाई साहब उस गाने के दो लाइन हो जाए। सबसे पहले तो ये गाना गोपाल साधु जी ने गाया था, उसके बाद भोजपुरी में मैंने उस गाने को गाया और मुझे पता नहीं था कि इतना वायरल हो गाना होगा। नवजिया बैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, तो मुझे मुझे नहीं पता था कि भैया भी मेरा गाना सुनते होंगे या मुझे फॉलो करते होंगे, मुझे देखते होंगे। लेकिन जब देवरिया में शो हुआ बरहज में, वहाँ हम लोग गए और जब भैया से मैं मिला तो भैया बोले कि धनंजय मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, तुम्हारा गाना बड़ा प्यारा लगता है, मैं सुनता हूँ। और वो गाए थे कि नवजिया बैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, हाँ मुझे दिल की बीमारी है। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा कि भैया भी कहीं ना कहीं हमें फॉलो करते हैं, हम लोग का गाना, हमारा ही नहीं बहुत सारे कलाकार जितने, जैसे कि निशा जी हो गई, नगेंद्र उजाला जी हो गए, बहुत सारे कलाकार हैं, सबका गाना सुन देखते हैं भैया, कहीं ना कहीं देखते हैं। और मुझसे एक बात बोला था भैया कि धनंजय जिंदगी भर सीखना ही है, संगीत एक अथाह समुद्र है और जीवन भर कहीं ना कहीं सीखना ही है, तो बड़ा सम्मान प्यार भी मिलता है। भोजपुरी में इतने जलवे चल रहे हैं आपके, कुछ लोग आपको सिनेमा में भी देखना चाहते हैं, फिल्मों में दिखेंगे धनंजय शर्मा? एक्चुअली मेरा अभी एक फिल्म आ रहा है बेटा किसान के, पूरा फाइनल है फिल्म। इससे पहले मैंने खेसारी जी के साथ काम किया था दुल्हन गंगा पार के, लेकिन मात्र उसमें मेरा 30 सेकेंड का सीन था। उसके बाद जैसे मैं मुंबई से आया तो मेरे घर, मैं अभी एग्री नहीं था फिल्म करने के लिए, लेकिन डायरेक्टर साहब पहुँचे, कोमल सर थे, अशोक जी थे पहुँचे, हमारे यहाँ मुन्ना जी थे, कहे कि धनंजय जी हम लोग चाहते हैं कि आपको लेकर के फिल्म करने के लिए। मैंने बोला मैं अभी एग्री नहीं हूँ करने के लिए, लेकिन मुझ पे दबाव आया और मैंने स्टोरी पढ़ा दुल्हन बेटा किसान का, जो स्क्रिप्ट था मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, तो उसको मैं, उस फिल्म को मैंने किया है, उसमें बिट्टू विद्यार्थी जी का गाना है, बहुत अच्छा अच्छा गाना है और बहुत जल्द आपको पर्दे पर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, एक और गायक हम सब के बीच में नायक बन के उभरने वाले हैं, और भाई साहब ये व्यक्ति, ये कलाकार, ये शख्स इसके काबिल भी हैं। धनंजय शर्मा जी के जलवे चारों तरफ चल रहे हैं, स्टेज शो हो या फिर खेसारी लाल यादव और भी बड़े स्टार्स के साथ, निशा उपाध्याय जी के साथ आप देखते होंगे, अनुपमा यादव जी के साथ देखते होंगे और भी खेसारी लाल यादव के साथ तो आप देख ही चुके हैं। धनंजय जी, इन दिनों भोजपुरी में बड़ा गर्म माहौल चल रहा है, कभी किसी कलाकार का कोई अपमान कर देता है तो कभी किसी कलाकार को नीचे गिराने के लिए सारी हदें पार कर देता है, ऐसे माहौल पे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं इस पे संयम रखना चाहिए। एक गाना आपका बड़ा वायरल चलता है, आप स्टेज पे गाते हैं, हम तोहके भुला गए नहीं तू हमके भुला जाएगा, दो लाइन हो जाए। ये मेरा फेवरेट गाना है। और कि जन याद कब आई, जन याद कब आई, हम तो के भुला गई नी, तू हम के भुला जाई। थैंक यू धनंजय जी। आपसे गानों की
अगर लाइन भी लगवा लें तो कम पड़ जाए, क्योंकि आप गाते हैं बहुत सुरीला हैं। एक आखिरी गाना आपसे जरूर सुनना चाहेंगे कि हम जननी की सैया गवैया हवे। सबसे पहले मुझे ये रकेश भैया का गाना है कि हो सखी जननी की सैया हर गवैया हवे, फुहर पतर गीत गावेला, छछन करे जा मोरा हर देखनी हाँ जब से, कि संगही नचनी यो नचावेला, हो कि फुहर पतर गीत गावेला। क्या बात है, आवाज आप सबके दिल में जरूर उतरी होगी, क्योंकि यह आवाज है ही ऐसी। धनंजय जी, आप खेसारी लाल यादव जी के साथ स्टेज शो काफी ज्यादा करते नजर आते हैं, कभी भविष्य में पवन सिंह जी के साथ स्टेज शो करने का मन है? हाँ, बहुत जल्दी कर रहा हूँ मैं पवन जी के साथ में। और हमारी अभी दो दिन पहले, देखिए आपने चर्चा किया, दो दिन पहले बिक्की भैया से बात हुआ, बिक्की भैया ने बोला कि बाबू एक अपना गाना भेजो, तो मैंने दो तीन गाना उठा के उनको भेज दिया, और भैया सुनने के बाद बोले कि धनंजय, मुझे लगा कोई नॉर्मल आदमी होगा, कोई लड़का होगा अभी सीख रहा होगा, लेकिन बोले भैया तुम तो मजे हुए कलाकार हो यार, चलो मैं बहुत जल्दी आपको बुलाता हूँ प्रोग्राम के लिए। बिक्की भैया चूँकि मैनेजर शायद हैं उनके, तो बोले कि बहुत जल्दी मैं एल्बम और फिल्म दोनों में तुम्हें बेटा मैं बहुत जल्दी बुला रहा हूँ, और तुम करने वाले हो जल्दी पवन सिंह के साथ में काम, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ भैया। चलिए, आपको पवन सिंह जी यानी कि पावर स्टार के साथ काम करने का भी मौका मिले तो ये बड़ी बात है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी जी के साथ तो आप काम कर ही रहे हैं, आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। भोजपुरी के जितने भी चाहने वाले हैं आप सब ऐसे ही धनंजय शर्मा को प्यार करते रहें। अगली वीडियो में आपको मिलाएंगे किसी और हस्ती से, तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो भाई साहब सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में किसी और बड़ी हस्ती से मिलवाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।